यह वीडियो साल 2006 में सैम द डेविल नाम के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया था। रशिया में रहने वाले एक आदमी को अपने घर के बाहर से कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है। यह सुनकर बाकी लोग टॉर्च लेकर घर से बाहर आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद टॉर्च की रोशनी में उन्होंने जो देखा वह काफी डरावना था। एक इंसान जैसा जीव जिसके शरीर से हड्डी निकली हुई थी बैठकर कुछ खा रहा था और टॉर्च की रोशनी में पीछे मुड़कर देखता है। ये देखकर वो लोग डर कर वहां से भाग जाते हैं। नंबर 6। यह वीडियो लगभग 8 साल पहले जिमिंट नाम के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया था। यह इलिनॉय के एक होटल का सीसीटीवी फुटेज है। एक दिन उस होटल के एक कमरे से चिल्लाने की आवाज आती है जिसे सुनकर एक आदमी उस कमरे में जाता है। आप उस चिल्लाने की आवाज को सुन सकते हैं। जॉन नाम का एक आदमी टॉर्च लेकर उस कमरे के अंदर जाता है। क्या आपने नोटिस किया, जैसे ही जॉन कमरे में प्रवेश करता है एक सफेद रंग की परछाई कमरे से बाहर आती है और चिल्लाने की आवाज भी बंद हो जाती है। वीडियो को एक रेडिट यूजर ने अपलोड किया था। एक दिन एक आदमी अपनी मौसी के घर घूमने गया लेकिन उसके साथ कुछ अजीब हुआ। वह अपनी मौसी के घर पहली बार गया था इसलिए उसे इस जगह के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। शाम को जब वह घर पर आराम कर रहा था तो उसने बेबी मॉनिटर पर कुछ ऐसा देखा जिससे वह बहुत परेशान हो गया। जब वह अपने बच्चे के कमरे में गया तो उसे कुछ भी अजीब नहीं दिखा। उसने देखा कि कमरे के सामने एक कैमरा लगा हुआ था। जब वह मॉनिटर चेक करने गया तो उसे कुछ अजीब दिखा। इसके बाद डर के मारे उसने अपना फोन उठाया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। If I am seen or tripping, but check this out. So this is my aunt's son's room, right? There's no one in here. Right. Nothing. Closet. Tell me, right on the monitor here, tell me that doesn't look like someone standing in the room. Like, I've checked, like, went back and forth 3 times, and जब वह कमरे में घुसता है और पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। वह जल्दी से लिविंग रूम में बेबी मॉनिटर चेक करने जाता है जिसमें आप एक भयानक चेहरा देख सकते हैं, हालांकि यह आकार में काफी छोटा था। जब वह वापस कमरे में जाता है तो आप देख सकते हैं कि कैमरे में कुछ भी नहीं है, लेकिन जब वह मॉनिटर दिखाता है तो यह चेहरा फिर से दिखाई देता है। आपको क्या लगता है, क्या यह वाकई एक भूतिया वीडियो है या फिर कैमरे की गड़बड़ी है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को जपरिप फॉन्ट नाम की एक टिकटॉक यूजर ने अपलोड किया था। एक पैरामेडिक देर रात काम कर रहा था तभी कुछ भयानक हुआ।
वह अपनी शिफ्ट खत्म करने वाला था और एम्बुलेंस को वापस स्टेशन ले जा रहा था। तभी उसे अजीब सा महसूस होने लगा। पहले तो उसे पीछे से कुछ हल्की सी आवाजें सुनाई दीं। यह काफी अजीब था क्योंकि पीछे कोई नहीं था। उसके कुछ साथी पहले से ही अकेले गाड़ी चलाते हुए ऐसी अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में बता रहे थे। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि एम्बुलेंस में मरे हुए लोगों की आत्माएं मौजूद हैं। पहले तो उस आदमी ने इन बातों को मजाक में लिया, सोचा कि वे लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन एक दिन जब उसे एहसास हुआ कि वह एम्बुलेंस में अकेली नहीं है, तो वह तुरंत गाड़ी को एक गली में ले गया और बाहर निकल गया। I'm not sure how to talk about this, but first of all, I've been an EMT just for a little bit, and like I ain't never experienced nothing like this. So as we driving back to base, I swear I seen a face in the rearview mirror. Like, I need to turn this engine off though, cause like we're gonna be stranded out here. I'm not trying to get this I don't know if you see it, but can y'all see that back door? Like, it just, oh shit. Like, it just flew open. Like, can y'all, oh. Nah, what the? What was that? Can y'all see it? Nah, hell nah. That, nah. After he. उसने बताया कि उसने रियर व्यू मिरर में किसी का चेहरा देखा। धीरे धीरे वह वापस एम्बुलेंस की तरफ गया। वीडियो में साफ दिख रहा था कि वह अभी भी घबराया हुआ था। वह ड्राइवर की सीट की तरफ जा रहा था। उसने कहा कि उसे चाबी निकालनी पड़ी ताकि वे अंधेरे में फंस न जाएं। जैसे ही उसने अपना फोन ड्राइवर की सीट पर रखा, एक जोरदार आवाज आई जिसे उसने पीछे के दरवाजे के खुलने और बंद होने की आवाज बताया। वह डर कर भाग गया। उसने अपना फोन उठाया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। तभी अचानक एक काली परछाई तेजी से इधर उधर घूमती हुई दिखाई दी। यह कहना मुश्किल है कि वीडियो फर्जी है या नहीं, और कई लोगों का मानना है कि यह वास्तव में एम्बुलेंस में मरने वाले किसी व्यक्ति की आत्मा को कैद कर लिया गया है। इस वीडियो को द परा वर्ल्ड नाम की एक टिकटॉक यूजर ने अपलोड किया था। एक शाम एक आदमी बेबी सिटर का काम कर रहा था, तभी उसके साथ कुछ अजीब हुआ। जब भी वह बच्चों की देखभाल करने के लिए उस घर में जाता था, तो उसे अक्सर एक अजीब सा एहसास होता था। उसे ऐसा लगता था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। लेकिन उस शाम उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे वह बहुत डर गया। What was it that you told me earlier about your doll? You said it moves? That doll? This doll? Yeah. You said it moves?
Like, you move it, or? Wait, what? When does it move? When you play hide and seek with her. When you play hide and seek? उसने यह वीडियो अपने फोन पर रिकॉर्ड कर लिया। आप उस छोटी बच्ची की बातें सुन सकते हैं। उसने कहा कि उसके पास एक गुड़िया है जो उसके साथ लुका छिपी खेलती है। हालांकि पहले तो उस आदमी को इन बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद उसने इसे परखने का सोचा। Sadie, you scared me. Don't do that, dude. लुका छिपी खेलते समय उसे गुड़िया की कोई हरकत नजर नहीं आई। कुछ देर बाद जब वह उस लड़की के बेडरूम से नीचे जा रहा था तो उसे कुछ अजीब सा दिखाई दिया। उसने यह वीडियो अपने फोन पर रिकॉर्ड कर लिया। जैसे ही वह नीचे जाता है, वह देखता है कि कुत्ता सीधे गुड़िया को घूर रहा है, डरा हुआ और गुर्रा रहा है। फिर वह सोने चला जाता है, लेकिन अचानक एक तेज आवाज से उसकी नींद टूट जाती है। जैसे ही वह लिविंग रूम में प्रवेश करता है, वह गुड़िया का सिर धीरे धीरे ऊपर उठता हुआ देखता है, जिसके बाद वह इतना डर जाता है कि वह वहां से भाग जाता है। इस वीडियो को जेडन गैम्बल नाम की एक टिकटॉक यूजर ने अपलोड किया था। एक आदमी एक दोपहर कनाडा के एक अस्पताल में गया, जब कुछ अजीब हुआ। जब भी वह इस अस्पताल में जाता था तो उसे हमेशा बेचैनी महसूस होती थी। जब नर्स कमरे से बाहर जाती थी तो उसे हमेशा ऐसा लगता था जैसे कोई या कोई चीज उसे देख रही है। हालांकि अस्पताल आमतौर पर भूतियां हो सकते हैं, क्योंकि हर साल वहां बहुत से लोग मरते हैं। अचानक उसे ठंड और घबराहट महसूस होने लगी। जैसे ही नर्स कमरे से बाहर निकली, उसने इधर उधर देखना शुरू किया और कुछ अजीब देखा। उसने अपना फोन उठाया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। हालांकि उसे कमरे में कुछ भी अजीब नहीं दिखा, लेकिन बोतल में दिखाई देने वाली परछाई को देखकर वह दंग रह गया। जब उसने अपना कैमरा नीली बोतल पर जूम किया तो हम खिड़की के पास खड़ी एक काली परछाई देख सकते हैं। वीडियो में कोई कट नहीं है, इसलिए हम इसे असली मान सकते हैं। ज्यादातर लोगों के मुताबिक उसने असल में पैरानॉर्मल एक्टिविटी को कैप्चर किया है। कुछ लोगों का मानना है कि यह सामने रखी दूसरी बोतल का प्रतिबिंब है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को एक टिकटॉक यूजर ने अपलोड किया था। एक महिला मां बनने के बाद नए घर में शिफ्ट हुई और तब से उसे अपने घर में अजीबोगरीब हरकतें महसूस हो रही थीं। उसे कभी घर के आसपास अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थीं, तो कभी अजीबोगरीब परछाइयां भी दिखाई देती थीं। ज्यादातर घटनाएं रात में होती थीं। एक शाम उसने अपने सो रहे बच्चे को चेक करने का फैसला किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सब कुछ ठीक है। जब उसने अपने बेबी मॉनिटर की फुटेज देखी तो वह चौंक गई। आप उसके बच्चे के बिस्तर के चारों ओर एक रोशनी मंडराती हुई देख सकते हैं। लोगों के मुताबिक यह भूत हो सकता है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर देना।
इनमें से कौन सा वीडियो सबसे ज्यादा डरावना था? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बाजू वाला बैल भी दबा देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।